नमस्कार, कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप भूत में बिलीव करते हैं, आपकी मर्जी, नहीं करते हैं आपकी मर्जी, भाई तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी करो। यह सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने सुनी, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। धन्यवाद। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं। अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता। आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा अलग होने वाला है। अरे ऐसे कैसे बोल रहे, ढंग से बोलना। माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आज की स्टोरी है शिलोंग मेघालय की रोनिका की। वो घर जहाँ पे हम रहते थे वो बहुत क्रीपी है। जब भी जाती हूँ ना वो घर से, मुझे बहुत डर लगता है। अभी भी वहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्स आते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है बैक इन 2017, जब रोनिका अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। एंड ऑनेस्टली, जब रोनिका ने मेरे को उस घर की फोटोज भेजी तो मैं समझ सकता था कि ये स्टोरी डरावनी क्यों है, क्योंकि वो घर देखने में ही काफी ज्यादा स्केरी लग रहा था मेरे को। बट ये चीज ऑब्वियसली रोनिका और उसकी फैमिली को तब नहीं पता थी, बट पता चलने वाली थी। तो अभी इस नए घर में शिफ्ट हुए रोनिका और उसकी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा एक डेढ़ हफ्ता ही हुआ था। एंड रोनिका को वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होनी शुरू हो गई थी ऑलरेडी। उसको हमेशा लगता था कि इस घर की वाइब बहुत ज्यादा नेगेटिव है। एंड वो अपने घर वालों को भी बोलती थी कि उसको घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हर स्केरी मूवी की तरह घर वाले वर लाइक, कोई नहीं, अभी नया घर है, तुम्हें अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि जब बच्चे बोलते हैं कि कुछ गलत है तो माँ बाप मानते क्यों नहीं है। लेकिन इसके बाद जो जो चीजें घर में होने लग गई उसके बाद उन्हें मानना ही पड़ा। रात के 2 बज रहे थे, घर के सब मेंबर सो चुके थे और अचानक बाथरूम में से ठक 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 आवाज आनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाथरूम में से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि घर के सभी मेंबर्स सोए पड़े थे। तो फिर बाथरूम के अंदर से कौन नॉक कर रहा है? कोई चोर या फिर कोई बहुत ही ताकतवर बिल्ली? हो सकता है ना, मतलब। अब धीरे धीरे नॉकिंग की आवाज बढ़ती जा रही है, रुक ही नहीं रही है। एंड इतनी बढ़ गई कि उसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। तो रोनिका की मम्मी हर हॉरर मूवी की मम्मी की तरह जाके चेक करती है कि एक्चुअली में कौन कर रहा है ये आवाज। मैंने मम्मी को कहा था नहीं जाने को वहाँ पे, पर वो आवाज आ ही रहा था उस टाइम भी। और आपकी मम्मी कौन है बोलते हुए जाके चेक करने चली गई। हाँ, तो आपने मम्मी को बताया नहीं? मम्मी, टिपिकल हॉरर मूवीज में ऐसे ही होता है। कौन है? कौन है? भूत ठक ठक आवाजें कर रहे होते, नहीं जाना चाहिए वहां पे। मम्मी जब वापस आई थी मैंने तब उन्हें कहा था कि मम्मी आप क्यों बॉलीवुड मूवी की मम्मी की तरह बन रहे हो। एग्जैक्टली। तो वहां पे एक्चुअली में कुछ हुआ था? मम्मी ने दरवाजा खोला नहीं, क्योंकि अंदर अंदर ही अंदर मम्मी भी डरी हुई थी। फिर सही है। लेकिन ये तो भूतियापंती की सिर्फ स्टार्ट थी, इसके बाद तो चीजें और ज्यादा अजीब अजीब होने लग गई। सबसे पहले तो रोनिका की नानी जो उनके साथ ही रहती थी, उनकी तबीयत अचानक से ही खराब होनी शुरू हो गई। एक दिन रात के 1:30 बजे किचन में से बर्तन खड़कने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। चेक करने पे पता चलता है कि एक खाने के बर्तन के ऊपर लगा लिड जो होता है ना, ढक्कन, वो अपने आप हिल रहा था। उसमें ना ही कुछ खाना था, ना ही वो गैस पे रखा हुआ था, बस रैंडमली पड़े पड़े उसके ऊपर का ढक्कन अपने आप हिले जा रहा था, एज इफ कोई उसको खोलने की कोशिश कर रहा है बट खोल नहीं पा रहा। बट इवन आफ्टर ऑल दिस, रोनिका के घर वाले उसके सामने कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि शायद घर में सच में भूत हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसके बाद रोनिका ने तो डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस घर में नहीं रहने वाली। रोनिका अपनी नानी के साथ सोती थी, उसकी नानी राइट साइड पे सोती थी एंड वो उनको हग करके पकड़ के सोती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको डर लगता था। लेकिन एक दिन सोते सोते करवट लेने के लिए रोनिका लेफ्ट की तरफ घूमी एंड उसको ऐसा लगा कि उसने किसी को टच किया है। वहां पे कोई था, वो कोई ब्लैंकेट नहीं था, बट व्हाट वाज इट? मैंने उसे सच में टच किया था। वहां पर मेरे और नानी के अलावा कोई और भी था। तो डिड यू ओपन योर आईज एंड चेक वो क्या है? नो, इतने हिम्मत नहीं हुई। मेरी ऐसे भी फर्स्ट थी तो आँख तो खोलने का चांस ही नहीं था। Not even kidding, जब रोनिका ने मेरे को अपने इस घर की फोटोज और वीडियोस भेजी ना, मेरा पहला रिएक्शन था क्यों, कोई इस घर में क्यों ही रहना चाहेगा, लाइक ये तो बाहर से ही काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहा है। लेकिन लकीली फॉर रोनिका, इसके बाद उसके घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है। एंड नानी की उसकी तबीयत और ज़्यादा डे बाई डे ख़राब होती गई एंड इस वजह से फाइनली फर्स्ट लॉकडाउन से पहले दे शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। अब शिफ्ट होने के बाद रोनिका की मम्मी
मम्मी और नानी ने भी रोनिका के साथ अपने भूतिया इंसिडेंट्स शेयर करे, जो कि वो पहले इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि बच्चे डर जाएंगे यू नो। उसकी मम्मी ने बताया कि कई बार सोते हुए उनको बेड के आसपास शैडोज दिखी है। एंड उसकी नानी ने तो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट बताया कि कई बार रात के टाइम पे कोई उनसे खाने को मांगता था, कोई बंगाली में उनको कहता था कि खाना दे दो खाना दे दो, जिस पे उसकी नानी क्या रिप्लाई करती थी तुम खुद ही सुन लो। हमेशा उनके सपने में, लाइक सपने में या पता नहीं क्या था, पर उन्हें हमेशा कोई उन्हें बोलता था कि कुछ खाने को दो, कहते थे लाइक बंगाली में कुछ खाने को दो खाने को दो। पता है नानी क्या कहती थी? क्या कहती थी? बिस्किट का डब्बा वहां रखा है, जाके ले लो। सीरियसली आपकी नानी भूत को कहती थी बिस्किट का डब्बा वहां पड़ा है, कुछ जाके खा लो। पता नहीं, मम्मी भी हमेशा लाइक बड़ा बॉलीवुड टाइप का है, मम्मी कहती थी कौन है घूमने करके जाती है, नानी कहती है डब्बा रखा है ले लो। भूत भी लाइक गजब भेजती है, नानी भूत को कह रही है भूत को वहां पे पड़ा खाने का डब्बा जाके खा लो। ओके नानी ओपी इन द चैट गाइस। एनीवेज जोक्स असाइड, तो नए घर में शिफ्ट होने के बाद चीजें बेटर होने लग गई। रोनिका की नानी की तबीयत धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होने लग गई। एंड कुछ टाइम के बाद रोनिका अपने पुराने नेबर से मिली, जिन्होंने रोनिका को उस भूतिया घर की स्टोरी सुनाई। तो नेबर वाले भैया को हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे छिपकली भाई। तो छिपकली भाई ने बताया कि अ फ्यू इयर्स बैक उस घर में एक बंगाली अंकल रहते थे, एंड क्योंकि मेघालय एक फ्लड प्रोन एरिया है, फ्लड्स वाले टाइम पे खाना ना मिलने की वजह से उन बंगाली अंकल की वहां पे डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन। 3 दिन तक उनका डेड बॉडी वहीं पे था। ओ गॉड, 3 दिन बाद निकाला गया था उनका बॉडी वहां से। 3 दिन के बाद जब उनके नेबर्स ने नोटिस करा कि अंकल के घर से कोई आवाज नहीं आ रही है और अंकल भी बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ के जब चेक करा तब उनको पता चला कि उन अंकल की तो काफी दिन पहले ही डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन, खाना ना मिलने की वजह से। एंड रोनिका की नानी ने कई बार ये बात बोली थी कि उनसे रात में कोई खाना मांगता था, एंड किचन में भी खाने के बर्तन खड़कना। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? डोंट यू थिंक इट ऑल मेक सेंस? अच्छा, छिपकली भाई ने ये भी बताया कि रोनिका की फैमिली के शिफ्ट होने से पहले उस घर में एक आंटी शिफ्ट हुई थी जो कि बहुत हेल्दी थी, लेकिन विद टाइम उनकी तबीयत खराब होती गई एंड शी पास्ड अवे। इसके बाद रोनिका की फैमिली आई एंड वो लोग चले गए, एंड उनके बाद एक हैप्पीली मैरिड कपल शिफ्ट हुए उस घर के अंदर। उनका एक बेबी हुआ और बेबी बॉर्न होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर लड़के ने छोड़ दिया घर, लाइक ही लेफ्ट, ही जस्ट लेफ्ट। सो बेसिकली उस घर में जो भी रहा, आपसे पहले जो मणिपुरी आंटी रहती थी, फिर आप लोग आए, आपकी नानी की तबीयत खराब होने लग गई, फिर आपके बाद जो कपल वहां पे रहने आए वो उनका तो स्प्लिट ही हो गए शायद। तो कुछ तो उस घर में ऐसी दिक्कत है। हाँ, घर में दिक्कत है। द कर्स्ड हाउस, ये अच्छा टाइटल है वीडियो के लिए। अच्छा, छिपकली भाई ने एक और बात बताई रोनिका को, विच आई डोंट नो वो सच है या नहीं है, वो तुम लोग डिसाइड करना। तो छिपकली भाई ने बताया कि कई बार उन्होंने भी उस घर में से पायल की आवाज सुनी है, छन 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 पायल की आवाज आते हुए सुनी है, विच आई डोंट थिंक मेक्स सेंस, क्योंकि अगर वहां पे भूत एक अंकल का था तो पायल की आवाज, भैया लोगों को ऐसे कुछ पायल वाला कुछ फीमेल का आता था, पर मैंने हमेशा वो घर पे कोई अंकल, तुम्हें लगता था कि कोई अंकल है लेकिन किसी भैया जो तुम्हारे थे उनको लगता था कि एक पायल की भी आवाज आती रहती है, मतलब कोई फीमेल थी। हाँ, पता नहीं अब कौन था, क्योंकि मुझे या तो वो हो सकता है वो अंकल ही जो थे वही पायल पहन के भागते थे। हो सकता है कि मतलब इट्स हिज चॉइस। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे ना ना ये बिल्कुल सच नहीं है, झूठ है, फेक है, कुछ लोग बिलीव भी करेंगे, सच क्या है हु नोस, मेरे को नहीं पता, बट आई ऑनेस्टली एंजॉयड दिस स्टोरी। आप लोगों की स्टोरी सुनाने में एक्चुअली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एंड कौन होगा हमारी नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो पे लाइक करोगे। थैंक यू सो मच टू यू रोनिका जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए क्या बोलते हैं रोनिका? Watching. Thanks for watching.